हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं और शरद अभी अभी ऑफिस से आया है, तो सुबह से मैं उठी हूँ, एडिटिंग कर रही थी वीडियोस के, अपलोड किया वीडियोस, और बस अभी भी एडिटिंग ही कर रही थी, तो सोचा कि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़ोर की भूख लगी थी मुझे, तो मैंने शरद को मैसेज किया कि प्लीज़ कुछ लेके आना खाने के लिए, क्योंकि रूम में ना कुछ भी नहीं है। तो वो देखिए ये सब लेके आया। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलता है, तो बताती हूँ मैं क्या क्या मैं अभी खाने वाली हूँ। ये देखिए, मेपल सिरप, पिकन्स एंड पीनट्स, एनर्जी बार काइंड ऑफ है, मतलब छोटे मोटे भूख के लिए विद एक्स्ट्रा प्रोटीन। ये सारे फ्रूट्स हैं, ये तो पोमोग्रेनेट है, ये असॉर्टेड फ्रूट्स हैं, और ये फ्लेवर्ड योगर्ट है स्ट्रॉबेरी वाला, और ये एक और छोटा सा डब्बा है फ्रूट्स का, ये वाला मैं खाने वाली हूँ अभी, और ये सब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने एक क्रोज़ॉन भी खाया है, ये देखिए सिनेमन क्रोज़ॉन, इतना टेस्टी था और कितना बड़ा साइज भी है ना, इंडिया में इतना बड़ा तो मिलता भी नहीं है, बहुत यमी था। एक मैंने शरद के लिए रखा है। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं फुल रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी करिए, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने। और चलिए दिन को शुरू करते हैं। लंदन साई देख सकते हैं, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। सारे सोविनियर के शॉप्स हैं यहाँ पर, बिग बेन। थेम्स रिवर ही है ये, जहाँ पर लंदन आए हैं। और यहाँ पर हम लोग क्यों आए पता है, हमारा फोटो शूट है, हमने फोटोग्राफर बुक किया है, और हम लेट हो रहे हैं बेसिकली, इसलिए भाग रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए कितना भीड़ है ना, सब टूरिस्ट लोग ही है लंदन आए के लिए, और हमारी ये फोटोग्राफर भी यहीं पर वेट कर रही है, तो चलिए मिलते हैं उससे और फिर देखते हैं क्या कर रही है। और देखिए बिग बेन ना इतने दिन से बंद था, रेस्टोरेशन में था, और ये अभी अभी खुला है, तो हम और आप लकी है ये देखने के लिए। ये देखिए श्रेक्स एडवेंचर, बचपन में ना मेरे बच्चे बहुत देखते थे, उनका फेवरेट हुआ करता था श्रेक, वैसे मुझे भी बहुत पसंद था। ये देखिए लाइन, देखिए यहाँ पर राइड के लिए, मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है, पता नहीं मैं कैसे करूँगी अगर किया तो। बहुत स्कूल के बच्चे भी आए हैं यहाँ पर आज, और पता है हम लोग ये राइड ले रहे हैं लंदन आए का। ये लाइन में अभी हमें 10 मिनट लगेंगे वो कैप्सूल के अंदर पहुँचने तक, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि मुझे हाइट से प्रॉब्लम है, हाइट फोबिया बोल सकते हैं। लेट्स सी कैसा रहेगा, आँख बंद करके बैठूंगी कि ब्लॉग करूंगी पता नहीं। ये राइड का कॉस्ट है 25 pounds एक जन का, और हम लोग ने थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया है क्योंकि हमने फास्ट ट्रैक लिया है, नहीं तो लाइन देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा जल्दी होने के लिए हम लोग ने फास्ट ट्रैक लिया है। यहाँ पर खड़े होके फ़ोटो भी खींच लिया ताकि जब हम निकल रहे हैं ना तो हम फोटो ले सकें,
और ये रहा कार्ड। नॉर्मल लाइन देखिए, वहाँ से है नॉर्मल लाइन है, फिर वहाँ से ऐसे होके फिर आएगा। अरे वाह, हमारा तो नंबर ही आ गया, इसमें घुसेंगे। हम लोग बैठ गए हैं एक कैप्सूल के अंदर और देखें इतने सारे लोग हैं। शरद वहाँ पर खड़ा है, मुझे बोल रहा था कि वहाँ पर आके खड़े रहना, मुझे तो वैसे ही डर लगता है तो मुझे नहीं कहीं जाके खड़े रहना है। और ये ना स्टार्ट भी हो गया है, देखिए इतना जल्दी हो गया क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक में थे। देखिए इतना ऊपर हम लोग आ गए हैं, स्लोली चलता है ये। देखिए ऑलमोस्ट 5th-6th फ्लोर ऊपर आ गए हैं हम लोग, ये देखें। मुझे तो काफी डर लग रहा है, हिम्मत करके आई हूँ। दैट्स अ पब, थोड़ा ज़ूम करती हूँ वो वाला। और ये वाला है लंडन आई रिवर क्रूज जो सामने दिख रहा है। ये देखिए नीचे एक कैप्सूल है और वहाँ पे हॉर्स गार्ड परेड चेंज होता है, हम लोग को एक दिन सुबह आना पड़ेगा 11 बजे चेंज होता है उसका परेड। अच्छा वहाँ पे, और वो वेस्ट वो बकिंगम पैलेस वो जो दिख रहा है ना वहाँ पे गोल्डन कलर का जो बर्ड दिख रहा है स्ट्रेट में, देख पानी दिख रहा है पानी के उधर पे जो दैट इज बकिंगम पैलेस, ये गोल्डन कलर का बर्ड और उसके आगे बकिंगम पैलेस है। ये सामने जो दिख रहा है वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, व्हाइट हॉल 10 डाउनिंग स्ट्रीट उसका एड्रेस। अच्छा और वो देख रहे पैलेस जैसा दिख रहा है ऊपर से बीच में देख, हाँ होल जैसा दिख रहा है। हाँ वो क्या है, वो भी गवर्नमेंट का ही बिल्डिंग है। अच्छा ये तो बिग बेन हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वो वाला जो ब्रिज है वहाँ पर वही है क्या, लंदन ब्रिज? नहीं वो तो हम लोग उस तरफ, ये तो ये जो भी तो ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है। अच्छा ये लंदन ब्रिज नहीं है। अभी हम लोग है ना टॉप पे आ गए, देखिए ओ माय गॉड वहाँ पर भी एक कैप्सूल है फुल टॉप पे। आपके हिल भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इतने सारे जन एक कैप्सूल में आते हैं। डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, शरद बोल रहा है यहाँ से अगर कूदना रहेगा तो कूद सकते हैं, मुझे तो नहीं कूदना है, सुसाइड करना है क्या। और ये देखिए ट्रेन के स्टेशन देखे हैं और कितने सारे लाइन्स हैं, ये देखिए जूम करके दिखा रही हूँ। सी द सिटी, वहाँ पर हम लोग कल गए थे वो वाला एरिया। जेम्स बॉन्ड का जो बोलते हैं वो रेड कलर के बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं वो MI6 उसके नीचे जेम्स बॉन्ड का बिल्डिंग है MI6 उनका सीक्रेट सर्विस का ऑफिस है। और ये देखिए फुल टॉप में है हम लोग, मुझे तो नीचे देखने से डर लग रहा है, मुझे खत्म हो गया है। अब हम नीचे पहुंच गए हैं, देखिए नीचे पहुंच गए। और ये है ना जब खुलता है ना ये हिलता ही रहता है, आपको फटाफट उतरना है। जब चढ़ रहे थे तो वैसे ही था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो शूट कर रही थी और फिर देखा तो ये हिल ही रहा है। अभी देखते हैं, नहीं बंद ही है, बस पहुंच गया नीचे अभी। देखिए ऐसे उतर रहे हैं, देख रहे हैं आपको मूव होते ही जा रहा है और आपको फटाफट फटाफट उतरना है।
फिर अंदर जाके लोग क्लीन कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट लोग बैठे। अब हमारा खुल रहा है और देखिए ऐसे ही मूव होगा और बस जंप करना है एक्सर। ये तो हमारा हो गया है, बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन से जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए ना स्टेशन में ना ऐसे बैठ के ये लोग म्यूजिक बजाते हैं और ये आदमी देखिए तबला बजा रहा है। हाय फ्रेंड्स, एक लेबनीज रेस्टोरेंट में आए हैं डिनर करने। यहाँ पर लोग अर्ली डिनर करते हैं और मैं बस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर कमेंट। ऐसे कमेंट तो बहुत आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है रिप्लाई करने के लिए। तो आज का दिन बहुत अच्छा था एक्सेप्ट द वॉकिंग पार्ट। वॉकिंग छोड़ के सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। आज तो मेरे घुटने भी जवाब दे रहे हैं, बहुत दुख रहा है घुटना भी। ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ। कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।